हे गाइस सुप्रभात, राम राम सभी को। तो गाइस अभी हम लोग मस्त आ गए यहाँ पर अपना समुंदर के पास घूमने के लिए गाइस। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा अपना समुंदर। और गाइस अभी पानी कम हो जाता है यहाँ पर शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे गाइस पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है। देख लीजिए जहाँ नाव वगैरह अब सब लगा है। और अभी थोड़ा पानी कम हो जाता है, अभी कहा है कि शाम का टाइम पे यहाँ पर पानी कम होता है। और देख लीजिए लाइन से कितना नाव लगा है सब, पूरा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक नाव जा भी रहा है गाइस, देख लीजिए पूरा मस्त लगता है। और गाइस इधर देख लीजिए, इधर पूरा अपना मस्त बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग टावर सब इधर है। और यहाँ पर राकेश भैया के साथ हम आए हैं, राकेश भैया भी यहाँ पर बैठे हैं। और हम लोग का इधर गार्डन वगैरह भी था, लेकिन अब तो इधर गार्डन हट गया है, यहाँ से प्लस्तर वगैरह हो गया है। और अभी हम लोग यहीं पे आए हैं, यहाँ पर गाइस मच्छी वगैरह भी मारने वाले लोग हैं, जो कि यहाँ पर मस्त अपना जाल वगैरह रखे हैं नाव में। वो सब गाइस जितना नाव जा रहा सब मछली मारते हैं सब वहाँ से। मस्त लगता है गाइस इधर। अभी हम लोग आ गए थे घूमने के लिए थोड़ा बहुत। और गाइस इधर और काम वगैरह भी चल रहा है यहाँ पर, कुछ और डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और गाइस जो वहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब, ये सब एयरपोर्ट बन रहा है गाइस। वो दूर है थोड़ा, लेकिन अभी यहाँ पर नया नया सब डेवलप हो रहा है। अच्छा नवी मुंबई है तो यहाँ पर सब डेवलपिंग अभी हो रहा है गाइज, वर्किंग प्रोग्रेस है। अभी यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर, वो सब एयरपोर्ट का काम हो रहा है गाइज। और उधर देख सकते हैं पूरा पहाड़ वगैरह भी है, और उधर झाड़ी वगैरह पूरा देख सकते हैं, पूरा जंगल जैसा लग रहा है। और मस्त वहाँ पर देख लीजिए धुंधला धुंधला पहाड़ दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, उधर उस साइड में गाइज पहाड़ वगैरह भी है पूरा बड़ा बड़ा। और गाइज अभी हम लोग मस्त इधर से अभी देख घूम लिए हैं, अपना मस्त समुंदर भी दिखा दिए अभी आपको अभी। लेकिन गाइस जिसमें नहाने लायक नहीं रहता है, क्या है कि समुंदर में यहाँ पर कोई नहाता वगैरह नहीं है, तो अच्छा पानी नहीं है उतना ना। अच्छा पानी रहता तो हम भी नहाते जाके अभी मस्त, लेकिन अभी नहाएंगे नहीं, उसमें नहाने कोई नहाता वगैरह नहीं है। और इधर मस्त अपना घूमने लायक देख लीजिए पूरा अच्छा खासा बना के रखा गया है, और मस्त एकदम सब यहाँ पर आदमी आके बैठता है घूमता है जिसको जो कर। हम लोग भी अभी आ गए थे यहीं पे देखने के लिए घूमने के लिए मस्त अपना। और गाइज यहाँ पर मस्त सामने में यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है मस्त, यहीं पे अभी वहीं पे जा रहे हैं भोले बाबा का मंदिर के पास, थोड़ा वहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। तो गाइज देख लीजिए अभी मस्त आ गए भोले बाबा का गेट के पास, यहाँ पे गेट है लेकिन ये तो बंद है, अंदर से बंद है गाइज, यहाँ से नो एंट्री है, उधर से जाना पड़ेगा अब हम लोग को। सो गाइज देख लीजिए अभी मस्त हम लोग फ्रंट साइड से आ गए यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर के पास, और वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे पूरा भोले बाबा बैठे हैं मस्त अपना मूर्ति है गाइज अच्छा खासा। और गाइज यहाँ पर मस्त दो हाथी है एंट्री गेट के पास, और अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी, देखते हैं थोड़ा दर्शन वगैरह भी कर लेते हैं गाइज, चलते हैं अंदर। और काफ़ी अच्छा मंदिर है गाइज पूरा देख लीजिए, मस्त अपना पत्थर से बना है डिजाइन काट काट के पूरा, देख लीजिए अच्छा एकदम डिजाइनिंग किया गया है पत्थर वगैरह का। और चलते हैं अंदर थोड़ा, और गाइज देख लीजिए यहाँ से मस्त अपना एंट्री करते हैं भोले बाबा का मंदिर। गाइस देख लीजिए वहाँ पर मस्त, यहाँ पर नीचे शिवलिंग वगैरह भी है, और वहाँ पर भोले बाबा का पूरा मूर्ति। और अभी तो शाम का टाइम हो गया तो अभी उतना भीड़ वगैरह नहीं है अगर। और यहाँ पर देख लीजिए अपना बसा बैल, और साथ में यहाँ पर कछुआ महाराज जी है अपना। और गाइस देख लीजिए मस्त झूमर वगैरह भी यहाँ पर लगा है, और भोले बाबा का वहाँ पर शिवलिंग, और अभी मस्त वहाँ पर दीपक भी जल रहा है देख लीजिए। और इधर पार्वती महारानी का है गाइस, दिखाते हैं अभी उधर से थोड़ा। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए मस्त अपना पार्वती माता का मूर्ति है, और वहाँ पर गणपति बप्पा का है मूर्ति, तो अभी उधर तो नहीं जा सकते, वहाँ पर एंट्री बंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मूर्ति वगैरह अच्छा से खासा है, और डिजाइन देख लीजिए गाइस पूरा मस्त मंदिर का डिजाइनिंग किया गया है, और अच्छा लगता है गाइस देखने में भी पूरा मस्त झूमर वगैरह के साथ, पूरा शिवलिंग भी नीचे है, और यहाँ पर भोले बाबा का पूरा मूर्ति भी है। तो अभी हम लोग दर्शन वगैरह भी कर लिए अपना, अब निकलते हैं थोड़ा इधर से। देख लीजिए यहाँ पर पूरा सब अच्छा खासा गया, इस पूरा पार्क वगैरह भी बना के रखा गया ताकि घूमने फिरे आदमी आके मस्त। और यहाँ पर देख लीजिए हाथी है, अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से थोड़ा, और उधर देखते हैं गाइज, और थोड़ा उधर जाते हैं घूमते फिरते हैं। तो गाइज अभी तो हमको इतना मालूम नहीं था इधर का, मस्त राकेश भैया यहाँ पर है हमारे साथ में, जो कि यहाँ पर पूरा गाइज घूम फिर के रखे हैं सब, इनको जानकारी है कौन सा कहाँ क्या है। तो अभी हमको लाए हैं यही घुमाने के लिए एकदम मस्त लोकेशन पे, और अभी यहाँ पर घूमते फिरते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग, इधर पार्क वगैरह भी है, छोटा मोटा पार्क भी है गाइज देख लीजिए मस्त, यहाँ पर अच्छा लग रहा है वाला पेड़ एकदम येल्लो येल्लो पत्ता है गाइज इसका। और इधर यहाँ पर भी समुंदर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे समुंदर है गाइज उस साइड में, अभी दिखाते हैं अभी पास से चल के और आपको।
तो गाइस अभी मस्त यहाँ पर आ गए, देख लीजिए यहाँ पर मस्त सीढ़ी वगैरह भी बना है नीचे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते वहाँ पर, पूरा कीचड़ वगैरह है और गाइस स्लिप करेगा पैर। और देख लीजिए यहाँ पर मस्त समुंदर पूरा व्यू दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, एकदम पूरा लंबा चौड़ा देख लीजिए। और गाइस अभी थोड़ा पानी कम हो गया, शाम के टाइम पे यहाँ पर पानी कम हो जाता है और दोपहर के टाइम पे गाइस पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है, जहाँ पर काला काला दिखाई दे रहा है वहाँ तक पानी आ जाता है गाइस। अभी थोड़ा पानी कम हो गया है और देख लीजिए अपना बोट वगैरह इसमें खड़ा है मस्त। और यहाँ पर देख लीजिए और काम भी चल रहा है थोड़ा, और यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है इसको गाइस, ताकि और आदमी आए टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए। और वहाँ पर तो अपना एयरपोर्ट ही बन रहा है, और उधर गाइस मस्त वहाँ पर जो है रेती बंदर है, जो कि गाइज वहाँ पर रेत वगैरह जो होता है, बालू वगैरह वो सब निकाला जाता है वहाँ से, वहाँ पर वो सब काम चलता है गाइज मस्त। और गाइज अभी तो हम लोग मस्त अभी यहाँ पर खड़ा होकर व्यू देख रहे हैं गाइज, उधर देख लीजिए पूरा पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहा है पूरा, उधर पीछे में धुंधला टाइप है, कैमरा में उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन है गाइज उधर पर। और झाड़ी वगैरह देख लीजिए पूरा मस्त, यहाँ पर पूरा झाड़ी वगैरह फरा है। राकेश भैया देख लीजिए यहाँ पर खड़ा हो गए हैं अपना मस्त पार्क के पास और अपना फोटो खींच रहे फ़ोन से। और गाइस इधर मस्त प्लांट वगैरह भी लगा के रखा गया था कि अच्छा खूबसूरत लगे देखने में भी। और अभी हम भी इधर चलते हैं, और यहाँ पर नेट वगैरह भी रखा गया है, जाल जाल जो कि मछली वगैरह मारने के लिए सब होता है। और गाइस ये देख लीजिए कितना मोटा रस्सा, सब नाव वगैरह को बांधने के लिए देख लीजिए कितना मोटा रस्सा रखा गया है यहाँ पर, और पूरा जाल वगैरह नेट वगैरह सब रहता है गाइस मछली वगैरह मारने के लिए। और इधर देख लीजिए पूरा पानी इधर आगे चल गया, तो अभी पूरा इधर कादा हो गया, पूरा कीचड़ वगैरह से भर गया है। तो गाइज अभी मस्त हम लोग वहाँ पर घूम फिर लिया और यहाँ पर आ गए, फिर से निकलते हैं गाइज यहाँ से मंदिर का गेट से। और यहाँ पर देख लीजिए मस्त एकदम गार्डन बना के रखा गया है गाइज, और एकदम फूल वगैरह के साथ एकदम देख सकते हैं काफी मस्त मस्त पेड़ लगाया गया है गाइज, एकदम शो प्लांट वगैरह और अच्छा अच्छा फूल वगैरह भी है गाइज पूरा चारों तरफ देख लीजिए। और हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं गाइज, ये मतलब निकास द्वार है, यहाँ से एग्जिट है गेट और एंट्री गेट भी है गाइज दोनों है। और यहाँ पर एकदम अच्छा खासा एकदम व्यू लगता है गाइज देखने में, एकदम बैकग्राउंड देख सकते हैं पूरा अच्छा खासा लग रहा होगा देखने में।